एक्टर धर्मेंद्र कुमार और निर्माता धीरज कुमार द्वारा 26 मार्च को बॉलीवुड और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए मुंबई में मुफ्त महाआरोग्य शिविर आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर व भारत के लीडिंग होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर 365 द्वारा आयोजित किए जा रहे फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों डॉक्टर्स नर्स होंगे उपस्थित। 30,000 चश्मे और 500 व्हीलचेयर दी जाएंगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और क्रिएटिव आई लिमिटेड के निर्माता निर्देशक धीरज कुमार द्वारा आगामी 26 मार्च रविवार को बॉलीवुड और मीडिया के लिए मुंबई में मुफ्त महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सिनेमा के इतिहास में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम टेक्नीशियन, मीडिया, उनकी फैमिली के लिए इस तरह का इतना बड़ा फ्री मेडिकल कैंप पहली बार होने जा रहा है। इस संदर्भ में मुंबई में स्थित वल्चर क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां भारत के लीडिंग होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर 365 के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और धीरज कुमार के अलावा बीएन तिवारी, मनीष कुमार वर्मा, संगीता तिवारी, डॉक्टर दिलीप पवार, महेंद्र पोद्दार, अमित दोषी, फैशन डिजाइनर अर्चना कोचर, अविनाश राय, दिनेश चतुर्वेदी, जावेद खान, प्राची बेडेकर और सुंदरी ठाकुर सहित कई महत्वपूर्ण हस्तियाँ शामिल हुई। आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए महाआरोग्य शिविर 26 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चित्रकूट ग्राउंड वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई में लगाया जा रहा है। उसके बाद उसी शाम को 7 बजे से फिल्म टेक्नीशियन और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। फिल्म उद्योग से जुड़े टेक्नीशियन, मीडिया और उनकी फैमिली के साथ ही डॉक्टर अमिताभ बच्चन से लेकर के सारी बड़ी हस्तियां वो जूहू में रहती है। मैं एक फॉरेन बॉडी हूं, मतलब कि बाहर से आ, तो मैंने सोचा कि आज हिंदुस्तान में अभी तक 27 सालों की जर्नी में 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3,55,00,000 से ज़्यादा पेशेंट देखते हुए 96,000 से ज़्यादा सर्जरी करवा करके हिंदुस्तान के हेल्थ के जीडीपी रेट को हमने एक आगे लेके जाने का एक कार्य। मेरा ये संघर्ष है, मेरा ये वादा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मैं स्वस्थ देखना चाहता हूँ। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत देश हमारा। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लास्ट 3 सालों से आप सभी कोरोना से कितना जूझते हुए, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने यहां तक स्ट्रगल करके अपने आप को संभालते हुए यहां तक आया है। कोरोना काल में आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365 की डेडिकेटेड टीम की मदद से 1 करोड़ लोगों तक पहुंच करके राशन, मेडिसिन के साथ साथ तमाम ऐसे नेसेसरी चीज़ें देने में डॉक्टर 365 की टीम मुस्तैद होकर के आना है। हम चले जाएंगे, शाम को तैयार होकर सूट पहन के हम पहुंच जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहां गया पिछले साल तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा कल्पना से परे लगा। हालांकि जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए शिविर लगाया गया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत सफल था। वो सोचने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न मैं इनकी बात को समझूं और क्यों ना अपनी ही इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वाकई सिर्फ बातें ना हों बल्कि वो एक यूजफुल हो, लाभदायक हो, जिसका फायदा सब लोगों को मिल सके। यहाँ पर मैं दो बातें बहुत ही अहम कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए हैं और मैंने जिनसे भी इसके बारे में जिक्र किया किसने मुझे ये नहीं कहा कि साहब ये क्या है और क्यों है। अरे वो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया थी या हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो बैकबोन हैं, हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के, या कहेंगे फिल्म फेडरेशन ऑफ सिने एम्प्लॉयज़ के तिवारी साहब हैं, राकेश दुबे साहब हैं, संजू साहब हैं, या हमारे आप कह सकते हैं अशोक दुबे साहब हैं, और हमारे एक्स दिनेश चतुर्वेदी, जो उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन उत्साह उनमें भी बहुत है,
कि कैसे दौड़ना है, सब लोगों ने अपना अपना पूरा सहयोग दिया और जो सोच प्रेजेंट इन सच अ लार्ज क्वांटिटी हियर एंड शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये इतना अच्छा कदम है बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर, जो बॉलीवुड के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना से जितना ज्यादा हो सके लोगों को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ चित्रकूट ग्राउंड है। सुबह जी ये जो हमारा कैंपेनिंग है इसको हम पूरा कर रहे हैं और शाम को जो सम्मान समारोह होगा वो 6 बजे से शुरू होगा, जो संगीता तिवारी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है। जो 25 सम्मान समारोह इसके बीच बीच में एक एक अच्छे परफॉर्मेंस आते जाएंगे, वो तैयारी हमारी कंपनी शुरू कर दी है और सभी लोगों का एंटरटेनमेंट होगा।